अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? सब बच्चे खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, आज हम ना उर्दू का सबक पढ़ेंगे। और देखिए बच्चों, ये क्या है? ये है ई। इसकी आवाज क्या है? ई। सब बच्चे मेरे साथ पढ़िएगा, ई। अब हम देखते हैं ई को यूज करते हुए हम कौन से नए लफ्ज बनाएंगे। और देखिए ये क्या है? ये है बे। बच्चों आपको पता है इसका नाम क्या है? ये है बे और इसकी आवाज है ब। देखिए ये क्या है इसके साथ छोटा सा है? ये है इसकी छोटी शक्ल, इसकी आवाज भी है ब। क्या इसकी आवाज है? ब। और ये हमने प्लस का साइन क्यों यूज किया है? क्योंकि जब हम कोई नया लफ्ज इसके साथ जोड़ेंगे तो उसके लिए हम जमा यानी प्लस का साइन यूज करेंगे। अब देखिए इसके साथ हम कोई और नया हर्फ मिलाएंगे तो इसलिए यूज किया है। देखिए ये क्या है? ई। मैंने भी आपको बताया ना इसकी आवाज क्या है? ई। अब हम देखते हैं ब और ई को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ब ई बी। क्या बना? ब ई बी। अब हम देखते हैं ब की फैमिली में और कौन कौन से नए लफ्ज आते हैं, और वो देखिए पहले आया प ई पी, और दूसरा क्या आया? ट ई टी। और फिर क्या आया? ट ई टी। और फिर लास्ट पे आया ई सी। ये थी बे की फैमिली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम किसकी फैमिली पढ़ने लगे हैं। और देखिए ये है जीम। कितना प्यारा लिखा हुआ ना। और इसकी आवाज है ज। क्या है? ज। और ये देखिए ये क्या है? मैंने भी आपको बताया ना कि ये जो लफ्ज हम लोग पढ़ रहे हैं इनके साथ हम लोगों ने इनकी छोटी इश्काल भी बननी है। और देखिए जीन की छोटी शक्ल किस तरह बनी हुई है ना। ये है जीन की छोटी शक्ल और इसकी आवाज है ज। अब हम इसमें कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस का। और इसके साथ हम देखेंगे ई को मिला रहे हैं ना। ये है ई। ज ई जी। ज ई जी। अब हम देखते हैं जीन की फैमिली में आगे कौन कौन से नए हर्फ हैं, और वो है च ई ची। च आता है ना जीन की फैमिली में, ह भी आता है ख भी, तो इनके हर्फ हमने ई के साथ जब मिलाया तो क्या बना? च ई ची ह ई ही ख ई की। अब ये देखिए आगे ये है दाल। आपको पता ना इसकी छोटी शक्ल नहीं होती। देखिए आगे इसकी जो छोटी शक्ल आएगी वो भी सेम है, और हम इसमें हम ई के साथ मिलाएंगे तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे? प्लस का। तो क्या बना? द ई दी। जब द को ई के साथ मिलाया तो क्या बना? द ई दी। और अब हम देखते हैं द की फैमिली में और कौन कौन से नए लफ्ज हैं। देखो यहाँ पे तो काफी ज्यादा, चल पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ। सब बच्चे पढ़िएगा द ई डी। द में डी भी तो आता ना, वो देखे दाल की फैमिली में है ये। ई री री ई री ई जी ई। अच्छा बच्चों देखे ये है सीन। इसका नाम सीन है और इसकी आवाज है। अब हम देखते हैं इसकी छोटी शक्ल किस तरह की है, और ये है इसकी छोटी शक्ल और इसकी आवाज है। अब हम देखते हैं को ई के साथ पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे। देखें ई सी ई सी। अब हम देखते हैं सीन की फैमिली में और कौन सा नया हर्फ है, और वो है शी। ई शी ई शी। और ये है बुक का पेज। आपकी किताब है ना उर्दू गुंजा, ये उसका पेज है। देखें ये बे की फैमिली है, उसके आगे सारी उसकी फैमिली के नेम राइट किए हुए हैं, और आगे देखे जीम की फैमिली है, और जीम की फैमिली में आगे देखो सारा लिखा हुआ उसका च च ई जी ह ई। इसी तरह के देखे दाल की फैमिली है, सीम की फैमिली है। आप लोगों ने ये सारे पेज को अच्छी तरह लर्न करना है और इसको याद करना, करके अपनी नोटबुक के ऊपर आके लिखना। और बच्चों ये देखे ये है डेली टास्क प्लानर। इसके ऊपर भी देखो लिखा हुआ है बाजी जागी तोरी गोली होती आती। ये सारे जो लफ्ज लिखे हुए हैं ना, पहले आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत प्यारा प्यारा राइट करना है, यानी पेंसिल फेरनी है डॉट्स के ऊपर, फिर नीचे लिखना है, और इसको अच्छी तरह याद करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।